आई होप आई वॉज राइट. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल. देख रहा हूँ इन अ वेरी डिफरेंट वे आई एम इंट्रोड्यूसिंग माई फ्रेंड ऑन माई चैनल. सो हेलो 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 हेलो. This is a challenge video, so I have a special guest on my channel. I welcome Hema Manoj Singh. She is a YouTuber and she is sharing spicy and yummy recipes. Okay. So if you haven't checked her channel, I will give you the link in the description box. Just check it out. Check कर लेना भाई, हमने इससे पहले भी collab किया है. So I welcome you all on our channel. और मेरा भी welcome करें. Hello, hello. तो अगर आपको ये video interesting लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और हम दोनों के चैनल को विजिट कीजिएगा, बिकॉज ये चैलेंज हम दोनों के चैनल पे होगा, एक मेरे लिए एक इसके लिए. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्ट विद दिस वीडियो. ज्यादा हो गया ना. सो एग्जैक्टली चैलेंज क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. व्हाट वी आर गोइंग टू डू, दिस इज टेस्ट एंड गेस चैलेंज, जहाँ पर मैं कुछ चीजें इसे टेस्ट कराऊंगी और इसे गेस करना है. और मैं भी इनको टेस्ट कराऊंगी. जो हाँ. मैं इनको टेस्ट कराऊंगी वो तो इनके चैनल पे ही आप देखोगे, और जो ये मुझे टेस्ट कराएंगी और जो मैं गेस करूंगी वो आप मेरे चैनल पे देखोगे. मेरे पास इतनी इंग्रेडिएंट्स है ना कि मैं कंफ्यूज हो गई हूँ कि फर्स्ट किससे स्टार्ट करूँ. तो हम फर्स्ट वाला तो बहुत ईजी है, आई थिंक उनको पता ही चल जाएगा ये क्या है, क्योंकि 99% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन आई थिंक यू यूज करते होंगे. सो बी रेडी. कड़वा होगा तो ज्यादा नहीं खिलाना. नहीं नहीं आ करें और जरा बड़ा. सॉस. हाँ विथ सॉस. एग्जैक्टली बताना पड़ेगा कि ये चीज क्या है. जो भी घर में चीजें अवेलेबल थी वही हमने ली थी, ये प्लान वीडियो नहीं है राइट. तो एग्जैक्टली बताओ कि आपको क्या लग रहा है ये क्या है. ये सॉस है. सॉस है. ग्रीन चिली सॉस. नो. रेड चिली सॉस. नो. लेकिन वो नहीं, तीन बार बोल चुके हो आप, गैस तीन बार कर चुके हो. सॉस ही तो है. सॉस आधा पॉइंट देती हूँ, फिर अगर ये खत्म हो गया आपका तो बता के गैस करके हो गया राइट. हाँ क्या ये पिज्जा टॉपिंग है. ये तुम यूज कर चुके हो अपने पिज्जा बेसिस पे, मैंने देखा है आपको. तो ये लूज कर गई. द सेकेंड इंग्रेडिएंट. मैं स्पेशली मार्केट गई तुरंत, ये वीडियो बनाना था और मैं लेकर आई हूँ ये चीज. आप बात है. आ करो कट करो, जितना खाना है खाओ. और खाना बता बता. इट्स वेरी हेल्दी चीज. आलू जैसा कुछ लग रहा है. कंद ना. इट इज अ काइंड ऑफ यू कैन से. वो कंद का दूसरा पार्ट है ना. दूसरा पार्ट क्या होता है. अरे कंद की फैमिली है ये. हाँ. अब एक गेस दे दिया मैंने आपको कि हाँ चलो एक हिंट दे दिया आपको कि ये उपवास में भी खाया जाता है. सूरन. नै. और एक बार खाना चाहेंगे. हाँ दे. हाँ खा लो पूरा, कुछ नहीं नुकसान नहीं करे. ब्लैक कवर अंदर व्हाइट व्हाइट. तूने खिलाया था एक बार कॉलेज जाते टाइम. वो भी नहीं, लेकिन ऑप्शन बहुत अच्छा था यार. यहाँ नहीं मिलता वो, लेकिन ठंडियों में मिलता है. दैट इज सिंगाड़ा. लास्ट हिंट. हाँ ये किसी सीरियल में बहुत ही ज्यादा पॉपुलरली ये डायलॉग्स में यूज करते थे. भाभी जी घर पे है, मैं यूज करता हूँ. भाभी जी घर पर है. मैंने हार्डली कुछ एक आधा दो एपिसोड्स देखे होंगे. और एक खाना है. और एक नहीं नहीं, नहीं बस बस मैं हार गई, मुझे नहीं पता. गुइयों के खेत में नहीं डायलॉग है उसमें. गुइया. व्हाट इज गुइया. अरुई. आप जब आपको पे से पट्टी निकाल दोगे ना तो मैं आपको वो दिखाती हूँ. मैं और अभी मत निकालो. ये सेकंड था, ये सेकंड भी आप हार गई. अब नेक्स्ट 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 नेक्स्ट. ये शायद आप पहचान जाओगे क्योंकि आप कुकिंग करते हो. तो आप ना एकदम थोड़ा सा ही मैं आपके आप कट कर लो या फिर मैं तोड़ के देती हूँ, क्योंकि ये ना वो मतलब यूज कर सकते हैं आगे भी. आ क्या लग रहा है आपको. इलायची. ना. लौंग. ना.
और खाना है? नहीं नहीं वो दालचीनी टाइप कितना कड़वा है, लेकिन ये कड़वा लग रहा है आपको, लेकिन ये स्वीट डिशेस में बहुत यूज होता है। स्वीट डिश तो मैं बनाती भी नहीं ज्यादा। ये स्वीट डिशेस में यूज होता है ये जायफल। हाँ गुड जायफल। जबकि जायफल मैं कहीं यूज भी नहीं करती। मुझे याद है जायफल मैंने, मुझे इसलिए क्यों याद है, तुमने एक हिंट दिया ना कि स्वीट डिश जिसमें जो है जायफल को यूज करते हैं, बहुत कम मात्रा में यूज करते हैं, तो मतलब इसका जो एरोमा है वो बहुत अच्छा आता है। स्वीट डिशेस का एरोमा बहुत चेंज हो जाता है, मिठाइयों में ज्यादातर इसका यूज होता है। अब ये थर्ड वाला था जो इन्होंने अच्छा गेस किया। अब फोर्थ ना, फोर्थ के लिए आई हैव टू ऑप्शन बट आई विल गो विद दिस ओनली। सो दिस इज अगेन आई थिंक आप गेस कर लोगे। दिस इज इसका पिक्चर लगा देना आप, क्योंकि आ करो इसका पिक्चर लगा देना। ये क्या है भाई? कोई मसाला है? हाँ मसाला है कोई। हाँ जावित्री। यस क्या बात है। फिफ्थ फोर्थ है। दो पॉइंट। हाँ दो पॉइंट मिल गए इनको, दो चले गए, दो मिल गए। आ करो आ खाने वाली चीज है ना। Of course, मैं ऐसे थोड़ी आपको कुछ भी लाके दे दूंगी। इट्स अ वेरी हेल्दी, यू कैन से आयुर्वेदिक थिंग इंग्रेडिएंट। इतना नहीं बताना चाहिए था मुझे, मेरी हिंट से पता चला ना आपको। चीव किया ना तब तब जब तब तक तूने आयुर्वेदिक बोल दिया। ओके तीन पॉइंट। ओके आई एम गोइंग टू विन। ये लास्ट है, दिस इज सिक्स ना। हाँ दिस इज सिक्स। हे भगवान। नो डोंट वरी यू विल बी फाइन आफ्टर दिस। ओपन योर माउथ। यू नो व्हाट इज दिस? सिरप। विच सिरप? कोल्ड एंड कफ। नो नॉट एट ऑल। एसिडिटी का सिरप। प्लीज टेक नेम। अरे नेम क्या, एसिडिटी का ही सिरप है ये। अब और एसिडिटी की सिरप तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, पर नाम तो बता दो उसका। अब मेरे डॉक्टर मुझे दो तीन एसिडिटी का सिरप रिकमेंड करते हैं, तो मैं अभी कैसे नाम बताऊँ, उसमें टेस्ट तो यही है, बट एसिडिटी का ही सिरप है ये मैं कंफर्म। नाम क्या? वो प्लास्टिक की इतनी छोटी बॉटल है। हाँ किस कलर की? पिंक। पिंक। हाँ नाम तो बता दो। मुझे दवाइयों के इतने नाम नहीं पता होते। दिस इज वेरी बैड, आपको पता होना चाहिए। डी से है कुछ? ना नहीं नहीं डी से नहीं है उसका नाम, वो पिंक वाला क्या बोलते हैं उसको। ए कुछ नहीं, मैंने सही कर गेस किया। सही गेस नहीं, आधा गेस किया आपने। तो आधा वो पॉइंट। अच्छा आधा पॉइंट मिलेगा आपको। चार पॉइंट हो गया। हो गए चार पॉइंट हो गए। हाँ तो आधा वो पहला वाला। आपने जायफल, जावित्री और ठीक है एलोवेरा और वो आधे आधे पॉइंट। ये तो इसको तो आधा पॉइंट क्यों दे रही है, क्या पता। नहीं नहीं वी वांट एग्जैक्ट नेम यार, अपने पास तो वैसे भी लिमिटेड चीजें हैं। ओके ठीक है चलिए। ओके इसका नाम, ओके आई एम नॉट क्राइंग। ओके इसका नाम है जलूसिल। जो तुम बोल रही वो डाइजिन है। डाइजीन अच्छा। बट देखो जो मैंने इनको जो खिलाया था एक्चुअली एसिडिटी और वो सारी चीजों के लिए ये इस्तेमाल होता है। ओके ओके सो टोटल कितने? टोटल फोर पॉइंट्स मुझे मिले हैं, वो भी आधे उसके और आधे इसके मिला के हो गए, तो इसलिए चार पॉइंट। ठीक है ना, हम एग्जाम में पेपर करेक्शन करते आधे को तो एक ही देते हैं। विनर अभी हम नहीं बता सकते, विनर आप जब दूसरी वीडियो जो मेरे चैनल पर है वो देखोगे। तो ये सस्पेंस थोड़ा तो रखना बनता है ना, इसके ही चैनल पे विनर्स को डिक्लेयर करेंगे। मेरी फिलहाल ये वीडियो यहाँ पर मैं खत्म करती हूँ। आई होप आपने एंजॉय की होगी, और ऐसे और भी चैलेंजेस वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नाउ आई एम साइनिंग ऑफ विद दिस वीडियो, विल मीट यू ऑन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।